नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ टेक्निक और ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपका इंटरेस्ट बहुत सारी कंपटीशन में है, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, इस तरह के क्वेश्चन इंटरेस्टेड है एग्जाम में, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि रेमिंटर थ्योरम क्या होती हैं, उनके टेक्निक और ट्रिक्स क्या होती हैं, उनको कैसे अप्लाई करते हैं। यदि ये बात समझना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर बने रहिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, या यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, और आशा करूंगा उन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करोगे। चलिए सर, पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि आपके पास ये दो पॉलिनोमियल में दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। मान लेता हूँ ये पहले एक्सप्रेशन को मैं पी एक्स लिख लेता हूँ, यह पी एक्स क्यू 3x स्क्वायर माइनस 3, ये पहला पॉलिनोमियल है, और इसको भी डिवाइड किया जा रहा है किससे, x माइनस 4 से, ठीक है, तो एक रिमाइंडर आएगा। दूसरा क्यू एक्स है, क्या है क्यू एक्स, क्यू एक्स आप लिख रहे हैं 2x क्यू माइनस 5x प्लस पी। मैं समझाने के लिए पूरे स्टेप लिख रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर आते हैं तो इन कैलकुलेशनों को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप डिवाइड कर रहे हो किससे, x माइनस 4 से, तो दोनों के जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो दोनों के रिमाइंडर क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए पी एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होगा कि आप x माइनस 4 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो के बराबर रख के x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। कहने का मतलब है पी 4 निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यदि यहां पर पी 4 जीरो होता, यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो हम ये कहते कि ये नंबर जो एक्स माइनस 4 है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस पी एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा पी 4। कहने का मतलब है यहां पुट कर दो पी इंटू 4 क्यू 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 ये आएगा। उसी तरह से आप इसमें भी क्यू 4 पुट कर दो तो ये होगा 2 इंटू कितना आएगा 4 क्यू, ये आएगा माइनस, यहां पर भी क्यू ध्यान रखिएगा, माइनस 5 इंटू 4 और प्लस पी, ये रिमाइंडर आएगा। दोनों रिमाइंडर बराबर हैं, आप इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, ये आ जाएगा 64p है ना, प्लस ये हो जाएगा 1648 माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 64 इंटू 2 128 राइट, माइनस 20 प्लस पी, इसको लाएंगे तो 63p हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 100 कितना हो जाएगा 8 माइनस आपके पास हो जाएगा 45, तो 63p इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा आपके पास 63 आ जाएगा, तो p सॉल्व करने पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आई कि किसी पॉलीनोमियल को किसी पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक। और एक्स की वैल्यू निकालने पर उसमें पॉलीनोमियल पुट करिए, पुट करने पर जो नंबर आएगा वही रिमाइंडर होगा। यदि रिमाइंडर जीरो होता है तो ये नंबर क्या माना जाता है, फैक्टर माना जाता है, इसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे इस टेक्निक पर बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, यह आपका दूसरा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपके पास इसके फैक्टर क्या होंगे। अब इसके फैक्टर निकालने का मतलब है, एक तरीका तो है वाइस इसके फैक्टर निकालें, और फैक्टर निकालने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करें, और एक तरीका यह है कि जो आंसर दे रखे हैं जरा उन्हीं पर थोड़ा गौर से देखें। यदि ये फैक्टर होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसको जीरो के बराबर रखें, एक्स की वैल्यू निकालें तो वन आ रही है, यदि इसमें वन पुट कर दें और जीरो आ जाए तो ये फैक्टर माना जाएगा, भाई सीधी सी बात तो यही होगी ना। तो जरा वन पुट कर दें तो वन पुट करने पर कितना आएगा, ये वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन जीरो आ रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर होगा सही बात है ना, इसको भी चेक कर लें। इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस वन आएगा, माइनस वन जब यहां पर आएगा तो यहां माइनस का आ जाएगा, यहां माइनस का आ जाएगा, यहां माइनस का आ जाएगा और ये माइनस, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। ये फैक्टर होगा लेकिन ये फैक्टर नहीं होगा, इसने कह रहा है ये इन दोनों के नहीं, ये ही होगा खाली, ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, नाइदर ये भी गलत होगा। तो क्या गलत सही हुआ, ये सही हुआ। यहाँ पर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर करने बैठ जाएं कि कितने फैक्टर आएंगे ये आवश्यक नहीं है। जो आंसर दे रखा जरा उसी से देखने की कोशिश करें कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि आपसे कि यदि इसके फैक्टर करें तो इनमें से कौन सा इसका फैक्टर माना जाएगा। देखिए इसे पहले वाला क्वेश्चन जब हमने किया तो हमने देखा कि ये भी क्वेश्चन सेम था, ये पूछ रहा था कि इसके फैक्टर करने पर इनमें से कौन सा फैक्टर होगा, तो हमने यहाँ पर फैक्टर नहीं करे थे, हमने क्या करा था, जो फैक्टर दे रखे हैं उसको जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाली थी और एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी। यदि पुट करने पर जीरो आ रहा था तो फैक्टर मान लिया था, लेकिन यहाँ पर ये बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इसको जीरो के बराबर रखूँ या इसको जीरो के बराबर रखूँ तो वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी किसकी वैल्यू रखूँ, एक्स की वैल्यू निकालूँ बाई के टर्म्स में या बाई की वैल्यू निकालूँ एक्स के टर्म्स में या जेड के टर्म्स में, तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चनों के लिए अच्छा रहता है कि आप इनके फैक्टर कर लें। आप फैक्टर करें इसके, देखिए एक्स स्क्वेयर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वेयर जेड माइनस एक्स माइनस एक्स सॉरी माइनस जेड, ये जेड आपका ध्यान रखिएगा, जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है जी। इसका फैक्टर कर रहे हैं तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, क्लियर। यहां पर वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाई जेड स्क्वायर, और यहां पर भी प्लस आएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब फैक्टर करिए, देखिए यहां पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, इन तीनों में से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से तो एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस का वाई बचेगा और यहाँ का माइनस का जेड बचेगा, ठीक है। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, जेड कॉमन ले सकते हो ना, तो आप प्लस का जेड ले लें यहाँ पर, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से आप वाई जेड सॉरी खाली जेड स्क्वायर क्या कॉमन ले सकते हो, जेड स्क्वायर, तो बचेगा वाई प्लस एक्स। अब देखिए ये एक्स वाई है, यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड रहेगा, यहाँ ये जेड रहेगा, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो वाई माइनस एक्स आएगा और वाई प्लस एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, जेड रहेगा और स्क्वायर रहेगा वाई प्लस एक्स रहेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो यहाँ से एक्स वाई रहेगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड रहेगा, इन दोनों में से जेड भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर और वाई प्लस एक्स भी आ जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा वाई माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखिए, यहां पर जो नंबर है x माइनस वाई माइनस जेड है, यहां पर x नेगेटिव का, तो आप यहां से माइनस कॉमन ले लो x वाई, तो इसे x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा, यहां पर ये x प्लस का हो जाएगा, y नेगेटिव और z नेगेटिव हो जाएगा जब आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे, ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों में से ये नंबर कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस वाई माइनस जेड आएगा और यहाँ से एक्स वाई आएगा माइनस जेड आएगा और वाई प्लस एक्स आएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि x माइनस वाई माइनस जेड एक फैक्टर ये आएगा,
एक्स वाई आएगा, वाई जेड आएगा और जेड एक्स आएगा, दूसरा फैक्टर ये आएगा। तो आप देख लेंगे इनमें से कौन कौन सा है। तो ये एक फैक्टर तो ये आएगा और दूसरा फैक्टर ये आएगा। तो आप कह सकते हो क्या मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या फैक्टर आ रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये कौन सा हुआ, ये वाला ऑप्शन इसका जो है वो सही माना जाएगा। एक्स माइनस वाई माइनस कितना हुआ, जेड। ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पर फैक्टर करने हैं, कहाँ पर फैक्टर नहीं करने हैं। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरूर सॉल्व करिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन ये है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, जरा करके बताइए। और इसका आंसर तो पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिएगा, जरूर रखना। ऐसा करने से विश्वास करिए आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।